एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिसिस, इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियर इक्वेशन के बेस पे है। तो अगर आपको इक्वेशंस बनाने में दिक्कत होती है कि इक्वेशन स्टोरी प्रॉब्लम को पढ़ के कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियोज़ को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये जो क्वेश्चन है ये आर.एस. अग्रवाल की टेक्स्ट बुक से है। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 7 सेंटीमीटर। यानी पहली लाइन का जो मतलब है रेक्टेंगल का जो लेंथ है, अब यहाँ पे एक्सीड वर्ड जो यूज हुआ है इसका मतलब होता है बढ़ने से होता है। तो जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया गया है इसको पहला पार्ट आप मान लीजिए, क्लियर। और यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड पार्ट। एक्सीड को ले लीजिएगा थर्ड पार्ट, क्लियर। और इट्स ब्रिथ जो लिखा गया है इसको चौथा पार्ट मान लीजिएगा, और बाई 7 सेंटीमीटर को मान लीजिएगा पांचवा पार्ट, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप इक्वेशंस रेडी करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यह आपका रेक्टेंगल का डायग्राम है यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का लेंथ, तो हम जो है यल से इंडिकेट कर देंगे तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। और जहाँ मैंने कहा था कि कुछ देर के लिए रुकने के लिए, ठीक है, जहाँ सेकंड पार्ट मैंने इंडिकेट किया है वहाँ पे आप डाल दीजिएगा इज इक्वल टू का साइन, सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद से जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ एक्सीड लिखा हुआ, ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ने से होता है, इसीलिए प्लस का साइन आप यूज़ कर लेंगे, तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इट्स ब्रिथ लिखा है तो ब्रिथ का मतलब बी से होता है, तो हम बी से इंडिकेट करने के लिए केवल हम बी का यूज कर लेते हैं, तो ये चौथा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और चूंकि जो इंक्रीज जो यहाँ पे जो बढ़ रहा है वहाँ पे 7 सेंटीमीटर का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम 7 डाल देंगे, क्लियर। तो चूंकि यहाँ पे एल और बी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, क्लियर, तो हमें एल नहीं पता, हमें बी नहीं पता है, तो कुछ देर के लिए मान लेना कि लेट इट बी जो बी होगा वह एज ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू बी की जगह पे एक्स यूज कर देंगे, तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, सपोज करो ये ए बी सी डी रेक्टेंगल हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो बी को एक्स माने ही हैं, लेंथ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 7। तो इस तरीके से जो है ये पार्ट यहाँ तक बन गया। अब हम लोग जो है इस स्टोरी प्रॉब्लम के दूसरे हिस्से में आएंगे। तो जब दूसरे हिस्से में आते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ इज इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ है उसमें 4 सेंटीमीटर डिक्रीज करना है और ब्रिथ में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है। तो अब हमारे सामने एक नया जो है डायग्राम बन करके आएगा। सपोज करो मान लो पी क्यू आर एस आ गया, तो पहले एक्स प्लस 7 था लेकिन इसमें से कुछ कम करने के लिए बोला है। यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ लिखा गया है कि द लेंथ इज डिक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ हम एक्स प्लस 7 जो था, अब इसमें हम 4 सबट्रैक्ट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो लिखा है कि ब्रिथ में इंक्रीज किया गया है, 3 सेंटीमीटर इंक्रीजमेंट किया गया है। तो जहाँ ब्रिथ है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ब्रिथ को एक्स लिए थे, तो इसमें हम 3 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब देखोगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, और यहाँ पे लिखा है द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ये दोनों का एरिया जो है सेम आएगा। तो यहाँ पे लिखें क्या कि एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस सॉरी इज इक्वल टू लगाएंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, चूँकि कहा गया कि दोनों का एरिया बराबर है। इसमें लेंथ कितना है एक्स प्लस 7 है सेंटीमीटर है, और इसमें आपका जो है ब्रिथ जो है एक्स दिया गया है इज इक्वल टू। इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट, एक्स प्लस 3 लेंथ और एक्स प्लस 3 आपको ब्रिथ भी मिलेगा। क्यों?
क्योंकि देखो जब 7 में से यहाँ पे 4 को जब सबट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे x प्लस 3 लेंथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, अगर देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, अगर बाय द वे तुमको अगर फार्मूला मालूम है ना तो जो x प्लस 3 जो दिया गया है इसको तुम लोग r ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है जिसमें बताया गया होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें x का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और जब 2ab करोगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 करना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा 6x। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, एक्चुअली इसको लिखने का कोई मतलब नहीं था लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ देख लो दोनों साइडों में एक्स स्क्वायर आया है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ से सबट्रैक्ट कर दें और एक्स स्क्वायर यहाँ सबट्रैक्ट कर दें इन दोनों साइडों से, तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास रिजल्ट बचेगा 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 6x। 6x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू मिल जाएगा 9। यानी इससे ये पता चला कि जो x का जो रिजल्ट आ रहा है 9 आ रहा है। तो जब x 9 आ रहा है तो बात हो रही है लेंथ और ब्रिथ की पता करने की, तो हम चलिए निकालते हैं कि क्या आएगा। अब ओरिजिनल वाले में बात करेंगे, जो हमारा जो पहले वाला जो रेक्टेंगल था इसमें x की वैल्यू हो गई 9, क्लियर, यानी ब्रिथ जो होगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जब करोगे तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसमें रखेंगे 9 तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और यहाँ भी तुम्हारा 12 सेंटीमीटर ही आएगा। तो अगर तुम्हें ये चेक करना है कि क्या इसका रिजल्ट सही भी है कि नहीं है, तो इसका जब एरिया निकालने जाओगे तो 16 में 9 का मल्टीप्लाई करो तो 144 आएगा। और चूंकि ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रिथ बराबर है तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 12 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई जब 12 में करोगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि जो रिजल्ट जो निकाला गया है ये ओवरऑल सही है, इसमें कहीं मिस्टेक के चांसेस नहीं है, आपको आंसर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम लोग जो है इस वीडियोस के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया द विथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स ब्रिथ, क्लियर। तो यहाँ से द विथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको पहला पार्ट मान लो, इज आ गया सेकेंड पार्ट मान लो, मतलब जहाँ भी हेल्पिंग मर्द दिखे वहाँ मान लीजिएगा। अब देखो 2/3 दिया गया है, इसको तीसरा पार्ट मान लीजिए, इट्स लेंथ को मान लीजिए चौथा पार्ट। तो द विथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हम W से इंडिकेट कर दे रहे हैं, जहाँ पे सेकेंड पार्ट है वहाँ पे इक्वल का साइन डाल दे रहे हैं, यानी पहला पार्ट कंप्लीट दूसरा पार्ट कंप्लीट, क्लियर। उसके बाद से कह रहा है 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3 होता है, और इट्स लेंथ का मतलब हो गया इस तरीके से, तो तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया। अब चूंकि L और W दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो कुछ देर के लिए मान लो कि L X है, क्लियर, यानी L की जगह पे X का यूज कर लीजिए, तो W का रिजल्ट क्या होगा 2/3 इंटू L की जगह आप X रख लेंगे तो W का जो रिजल्ट होगा, या तो ऐसे लिखो या इज इक्वल टू 2x/3 भी लिख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, क्लियर, मान लो रेक्टेंगल का डायग्राम बना रहे हैं ABCD, तो लेंथ को x इंडिकेट कर ही चुके हैं तो जो विथ होगा वो 2x/3 होगा। अब क्वेश्चन में जब आप चलेंगे तो क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि पेरीमीटर 180 मीटर दिया गया है, तो तुमको पता होना चाहिए कि भैया कि पेरीमीटर का रिजल्ट जो होता है वो होता है 2 × L + B होता है। तो पेरीमीटर की जगह पे 180 मीटर डाल दीजिए इज इक्वल टू 2, लेंथ देखो x माने हो यहाँ पे रख दो, b की वैल्यू 2x/3 लिख दीजिए, 2 को यहाँ से हटाओगे तो इधर आएगा डिवाइडेशन में जाएगा,
और यहाँ डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करो कि यहाँ पे वन रख लो। चलो मान लो कि यहाँ नहीं है तो वन तो रख ही सकते हो। वन और थ्री का एलसीएम क्या आएगा? थ्री ही आएगा। तो अब वन सॉरी थ्री को वन से डिवाइड करो तो तुम्हें थ्री मिलेगा, और थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो थ्री एक्स मिल जाएगा। उसी तरीके से यह थ्री जो है इस थ्री को वन बार डिवाइड होगा और वन इस प्लस टू एक्स से मल्टीप्लाई करके प्लस टू एक्स दे देगा। तो ये हो गया 90, ये हो गया 5x बाई थ्री। अब यहाँ पे 3 को हटाओगे तो इधर आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 90 इंटू थ्री इज इक्वल टू 5x। और ये ध्यान रखो कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जब x रखोगे यहाँ पे तो 5 को हटाओगे तो इधर आकर के ये डिवाइडेशन में जाएगा। तो 90 इंटू थ्री बाई फाइव सॉल्व करने पे होगा 18। तो ये हो गया 54 इज इक्वल टू एक्स। यानी एक्स क्या माने थे, इसी एक्स को तो आप लेंथ माने थे, तो जो लेंथ जो होगा वो 54 होगा। तो भाई ब्रिथ क्या निकल कर के आएगा, तो ब्रिथ को आपने लिखा था 2x बाई थ्री लिखा था, ये 2x बाई थ्री। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो आई है डाल दो यहाँ पे, तो ये 54 3 से डिवाइड होगा तो 18 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि भाई जो बी का जो रिजल्ट आएगा वो 36 आ गया। तो आई होप अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी, क्लियर, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, और उन दोस्तों को भी सजेस्ट करें जिनका मैथमेटिक्स बहुत ही कमज़ोर है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।